हेलो एंड जय हिंद, वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आई एम आर्यश्री सोलंकी और आज हम डिस्कस करेंगे जो हमने ग्लोबल रेफ्यूजी क्राइसिस डिस्कस किया था उसी का आगे का है ये, जो कि हुआ था कहाँ पर, बेलारूस और ईयू का माइग्रेंट क्राइसिस। ठीक है, तो आज हम उसकी बात करेंगे। इट्स एक फर्दर पार्ट है उस पर्टिकुलर टॉपिक का जो हमने ग्लोबल रेफ्यूजी क्राइसिस किया था। वाई? बिकॉज दिस वॉज वेरी मच इन न्यूज़ ग्लोबली, बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है ये और इसके एस एस बी लेक्चर या इवन आपके इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो पूरा बैकग्राउंड जानना कि क्यों हुआ था, क्या हुआ था, हाउ आर पीपल डूइंग एट दैट बॉर्डर, और ये क्राइसिस क्यों हुई थी, और ईयू ने क्या किया था, बेलारूस ने क्या किया था, अब इंटरनेशनली क्या हो रहा है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है ऐसे केसेस में। तो लेट्स बिगिन। तो बेलारूस ईयू माइग्रेशन क्राइसिस है या माइग्रेंट क्राइसिस है। यू ऑल कैन सी कि बॉर्डर दिख रही है आपको और ये सारे लोग हैं। ठीक है, ये ज़्यादा कौन है, कौन से लोग हैं, ये आपको पता पड़ेगा। दीज आर मोस्टली फ्रॉम इराकी कुर्दिस्तान। ठीक है, तो जो है जुलाई 2021 से, अब ये जो माइग्रेंट क्राइसिस है 2021 और 2022 से बीच में ऐसे आगे पीछे रहा था, दो देर आर स्टिल थिंग्स रनिंग ऑन देयर, बट कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुआ है। बट स्टिल जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में चला था और जहाँ से स्टार्ट हुआ था वो था 2021 टू 2022, है ना। तो इराक के कुर्दिस्तान लोग जो हैं, दे वर ट्राइंग टू एंटर इनटू द ईयू कंट्रीज़। कौन कौन सी ईयू कंट्रीज़? पोलैंड, लथविया एंड लिथुआनिया, है ना, फ्रॉम अ नॉन ईयू कंट्री। नॉन ईयू कंट्री कौन सी होगी? बेलारूस। अब देखो, बेलारूस जो है वो इन तीनों कंट्री को अपनी बॉर्डर शेयर करती है इन तीनों कंट्री से। अब बेलारूस जो है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, लेकिन जिन तीन कंट्रीज़ जो कि मेंशन है, पोलैंड मेंशन है, लथविया मेंशन है और लिथुआनिया मेंशन है, इन तीनों कंट्रीज़ ये जो हैं ये तीनों यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। तो व्हाट बेलारूस डिड, वो टूरिज़्म का उनको झांसा दे के ये बोल दिया कि आप आइए टूरिज़्म के उससे और हम आपको ईयू कंट्रीज़ में एंट्री दिलवा देंगे थ्रू द बॉर्डर। ऐसा करके उन लोगों ने लोगों को बुलवा लिया एंड दे यूज्ड ह्यूमन एज अ रिसोर्स टू अप्लाई प्रेशर किन कंट्रीज़ पे, ईयू कंट्रीज़ पे, ताकि वो अपने सैंक्शंस लिफ्ट कर दें। अब ये तो है ना, मैंने पूरा आपको वो ही दे दिया, क्रिस्प दे दिया, पूरा उसका समरी दे दी पूरी चीज़ की कि आगे क्या होने वाला है, बट स्टिल है ना, तो समझ में आ गया। तो बेलारूस जो नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्री है उससे जो है माइग्रेंट जो है वहाँ जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं वहाँ ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ बॉर्डर क्रॉस करके घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दिस इज़ द एंटायर केस। ओके, अब क्या हुआ कि ये क्राइसिस शुरू कैसे हुआ हम वो देखेंगे। यूरोपियन यूनियन इम्पोज इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन बेलारूस। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन ने जो है इकोनॉमिक सैंक्शंस इम्पोज कर दिए तीन बेसिस पे। ठीक है, वो क्या क्या तीन बेसिस थे? सबसे पहला तो जो था वो फ्रॉड था, दूसरा था प्रोटेस्ट जो थे उनका ऑपरेशन ऑफ प्रोटेस्ट, और तीसरा जो है वो फोर्स लैंडिंग करवाई गई थी रैनएयर फ्लाइट 4978 की वो। तो ये तीन जो हैं, ठीक है, फ्रॉड, फोर्स लैंडिंग और ऑपरेशन ऑफ प्रोटेस्ट, ये तीनों चीज़ों के बेसिस पे यूरोपियन यूनियन ने जो है बेलारूस पे सैंक्शंस इम्पोज कर दिए थे। अब उन सैंक्शंस के कारण क्या हुआ? ऑफकोर्स बेलारूस और ईयू का रिलेशन ख़राब हुआ होगा, बेलारूस ने बहुत चीज़ों में सफ़र किया होगा, वेदर इट इज़ बिजनेस और रिलेशन और एनीथिंग। ठीक है, तो बेलारूस थॉट कि अब बदला लेंगे, है ना, समवे ऑर द अदर एवरी कंट्रीज वॉन्ट्स टू टेक अ रिवेंज। बेलारूस वहीं अगर अपने सैंक्शन सही कर रही होती या कुछ और तरीके से इन सैंक्शंस को कोर्ट में केस लड़ती या जो भी है तरीका उनको नीचे लाती अपनी खुद से, तो वो ज़्यादा बेटर होता। बट व्हाट बेलारूस ऑप्टेड फॉर, बेलारूस ने ही बदला लेने का सोच लिया। तो एज अ रिस्पॉन्स बेलारूस थ्रेटन्ड टू फ्लड ईयू कंट्रीज विद ड्रग स्मगलर्स, ह्यूमन ट्राफिकर्स एंड आर्म्ड माइग्रेंट्स। ठीक है, तो बेलारूस ने जो है ईयू को धमकी दे दी कि आप सैंक्शन अगर डाउन नहीं करोगे, आपने हम पे सैंक्शन लगा दी हैं, तो इसके बदले आपकी कंट्री पे हम ह्यूमन ट्रैफिकर्स भेजेंगे, हम जितने भी माइग्रेंट्स भेजेंगे उन सबके पास हथियार होंगे, वो वायलेंस करेंगे आपकी कंट्री में आके। तो ये धमकी दे दी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? बेलारूस के जो ऑफिसर्स थे उनने सबने मिलके टूरिस्ट कंपनीज़ को वो किया कि मिडिल ईस्ट के जितने भी लोग हैं आप उनको लाओ, ठीक है, वहाँ पर टूरिज़्म प्रमोट कर दिया बेलारूस को लेके, और ये भी बोला कि हम आपको ईयू में भिजवा देंगे हमारी बॉर्डर के थ्रू, है ना। तो इससे क्या हुआ, जिन लोगों में टूरिज़्म का प्रमोशन हुआ वो तो घूमने के हिसाब से आए थे, बट वॉट दे बिकेम नाउ, दे हैव बिकम नाउ माइग्रेंट्स। ठीक है, वो क्या सोच के आए थे कि हम बेलारूस घूम लेंगे और हम यूरोपियन यूनियन में एंटर कर जाएंगे, हम वहाँ हो सकता है रह भी लें, जो भी उनके दिमाग में था डिस्ट्रैक्शन या जो भी उनको ग्रीड थी, तो उस चक्कर में दे गॉट ट्रैप्ड इनटू इट। ठीक है, अब देखो द प्रेजेंट सिचुएशन, अब प्रेजेंट सिचुएशन क्या, हमको समझ में आ गया कि बेलारूस जो है नॉन ईयू कंट्री है, तीन ईयू कंट्रीज से बॉर्डर्ड है वो, है ना, उसने उसके पास तीन सैंक्शंस लगा दिए थे ईयू ने, उसका बदला लेने के लिए बेलारूस ने जो है उनको धमकाया कि हम आप पे ह्यूमन ट्राफिकर्स और ये सब भेज देंगे, उसके चक्कर में उसने जो है ईस्ट में पूरा टूरिज़्म का प्रमोशन किया और लोगों को ये करा कि हम आपको ईयू में एंट्री दिलवा देंगे, ठीक है, थ्रू आर बॉर्डर्स। अब प्रेजेंट कंडीशन क्या है,
माइग्रेंट जो हैं, जिनको ऐसा बताया गया था, माइग्रेंट जो है दे आर नॉट वेल टू डू पीपल, ओके, वो बहुत ऐसे पुअर से होते हैं, वो अपनी कंट्री एस्केप करने के यूँ भी कोशिश कर रहे होते हैं, कोई सी अच्छी लिविंग कंडीशन में जाने की कोशिश कर रहे होते हैं. नो एवरीबडी नोज कि EU पूरा यूरोपियन यूनियन जो है बहुत अच्छा, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड कंट्री टू लिव इन, है ना, आपकी लाइफ स्टाइल वाइज या किसी भी तरीके से, राइट्स एंड एवरीथिंग. तो माइग्रेंट जो है वो सारे बेलारूस पहुँच गए, ठीक है, बॉर्डर पे घुसने के लिए. अब वो पोलैंड, लथविया और लिथुआनिया जो तीन कंट्री हैं वहाँ घुसने की कोशिश कर रहे थे. अब ये जो है, आपको पता, ये बताया था बेलारूस से बॉर्डर शेयर करता है. सम माइग्रेंट सेड दैट बेलारूसियन ऑफिशियल्स गेव देम वायर कटर्स एंड एक्सेस टू कट द फेंसेस एट द बॉर्डर. अब जब उनके पास मीडिया वगैरह गए होंगे, दूसरी कंट्री के वो जो बॉर्डर पे ऑफिसर्स हैं पेट्रोलिंग, वो आए होंगे, जो भी हुआ होगा, जैसे भी न्यूज़ बाहर गई, उससे पता पड़ा कि बेलारूस के ऑफिसर्स ने माइग्रेंट्स को जो है सच में भी हथियार दिए थे, एक्स दिया था, फेंस कटर दिया था, ताकि वो इल्लीगली फेंस काट के उस कंट्री में घुस जाए. अब ऐसा क्यों? उनके थ्रू वो लोग ऐसे लोगों को भी भेज देते इन डिस्गाइज ऑफ माइग्रेंट्स, जो लोग सच में भी ह्यूमन ट्राफिकर्स हैं, जो लोग सच में भी शायद वायलेंस क्रिएट करते हैं, जो लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं EU कंट्रीज़ में, ठीक है. तो उनका था कि माइग्रेंट्स की भीड़ में हम ऐसे लोगों को छुपा के भेज देंगे और वो वहाँ पर तबाही मचाएंगे जैसे ही एंटर हो जाएंगे. बट इट वॉजेंट पॉसिबल, हो नहीं पाया उनका ये प्लान सक्सेसफुल, बिकॉज जो EU कंट्रीज़ हैं उनने ऑलरेडी बहुत सारे प्रिकॉशंस ले लिए थे. वो क्या क्या है वो देखते हैं. All three countries increase the number of military personnel. तो उनने अपने military personnel के number increase कर दिए, ठीक है, borders पे तीनों countries जो European Union की countries थी. Created a 2 mile deep buffer zone to prevent unauthorized border crossing. ठीक है, तो उनने buffer zone भी create कर दिया 2 mile का, ताकि कोई भी ऐसे घुस ना सके, है ना, घुस सके तो हम उसको easily detect कर लें और पकड़ लें और detention में डाल दें. अब उसके बाद to prevent migrants from entering their land, Poland used water cannons and tear gas. है ना? अब इतने सारे माइग्रेंट एक साथ बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो उनको रोकना तो पड़ेगा. तो रोकने के लिए व्हाट दे यूज, वाटर कैनन्स और टीयर गैस. टीयर गैस तो हमारे यहाँ भी प्रोटेस्ट वगैरह में यूज़ होती है, वाटर कैनन्स भी यूज़ होते हैं, ठीक है. तो इट इज़ अ नॉन हार्मफुल वे टू कीप द पीपल और द माइग्रेंट्स अवे फ्रॉम देयर बॉर्डर. पोलैंड इज गोइंग टू बिल्ड अ 5.5 मीटर हाई वॉल इन डिसम्बर अलॉन्ग द बॉर्डर विद बेलारूस टू स्टॉप द माइग्रेंट इन्फ्लक्स. अब पोलैंड ने क्या सोचा है कि हम ना एक लंबी दीवार भी खड़ी कर देंगे. अब इतनी लंबी तो कूद के आ नहीं पाएगा कोई भी, ठीक है. तो जो वहाँ बेलारूस के माइग्रेंट आ रहे हैं, आने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी तबाही मचा रहे हैं, बॉर्डर पर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, तो उन लोगों ने अभी तो बना भी दी होगी, ठीक है, बन भी गई होगी, बिकॉज वी आर नाउ इन मार्च अप्रैल, ठीक है. तो उन लोगों ने क्या सोचा था कि हम वहाँ पूरी वॉल बना देंगे ताकि जो है वहाँ से आ ना पाए कोई भी. अब आ जाओ, द क्लैशेज बिटवीन माइग्रेंट्स एंड बॉर्डर गार्ड्स रिजल्टेड इन एटलीस्ट 9 डेथ्स ऑफ माइग्रेंट्स. अब दिस वॉज द मेन प्रॉब्लम, ठीक है, कि बेलारूस ने जो है माइग्रेंट्स को ललचा के या जो भी ऑफर दे के अच्छी लाइफ स्टाइल का, जो भी है इलीगली EU में भेजने का जो भी है, उनको ग्रीड दिया. उस चक्कर में क्या हुआ, बेलारूस तो ठीक है, बेलारूस यूज दोज पीपल टू इलीगली सेंड देयर ओन पीपल इन डिसगाइज ऑफ माइग्रेंट्स, ठीक है. उससे क्या हुआ ना, दीज माइग्रेंट्स आर सफरिंग, दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर फूड, प्रॉपर सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह तो आप छोड़ ही दो, उसके ऊपर से 9 माइग्रेंट्स इवन डाइड, ठीक है. दिस वॉज अ टोटल हैवोक यू कैन से. अम्मा जो पोलैंड अक्यूज बेलारूस ऑफ वेजिंग हाइब्रिड वॉर यूजिंग ह्यूमंस एज टूल्स. तो ऑफकोर्स सही बात है, पोलैंड ने बेलारूस को अक्यूज़ किया कि आप तो लोगों को यूज़ कर रहे हो एज अ टूल, है ना, हम पे आने के लिए, और ये टोटली गलत है, ये तो ह्यूमन राइट्स का भी वॉयलेशन हो गया. तो अब क्या हुआ था, बेलारूस ने क्यों किया, क्योंकि वो चाहता था कि EU ने जो सैंक्शंस लगाए थे उस पर वो हटा दे. बट अब क्या हुआ, अब US, UK, कनाडा ने भी उस पर और सैंक्शन लगा दिए हैं, ठीक है. तो ऑलरेडी वो तो हटा नहीं, उसकी ये वाली हरकत के कारण उस पर और सैंक्शंस लग चुके हैं, है ना. और उसके बाद जो है मोर ओवर EU टू अनाउंस न्यू सैंक्शंस. EU ने भी, मतलब पहले जहाँ एक ही कंट्री के सैंक्शन थे, अब वहाँ 4 कंट्री हो गई है EU को मिला के, ठीक है. तो बेलारूस पे और भी सैंक्शन लग गए. तो माइग्रेंट क्राइसिस और ह्यूमन राइट वायलेशन को उनने लगाया. EU ने कौन से सैंक्शंस लगाए हैं, एक तो ह्यूमन राइट वायलेशन बिकॉज 9 माइग्रेंट्स डाइड, दूसरा कौन सा था, रीड हियर, माइग्रेंट क्राइसिस जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है. थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेंट्स आर लेफ्ट एट द बॉर्डर इन द फ्रीजिंग कोल्ड विद लिटिल फूड एंड ऑलमोस्ट नो वाटर, ठीक है. तो अब यार ऐसी कंडीशन, पहली बात बॉर्डर पर खाना पानी तो होता नहीं है, ठीक है. खाना पानी सिर्फ इतना ही होता है जितना बॉर्डर की सिक्योरिटी लोगों को मिल सके, वो दे कैन फीड देमसेल्व्स. अब वहाँ एकदम से इतनी माइग्रेंट पॉपुलेशन आ गई, तो वहाँ ना इलेक्ट्रिसिटी होती है प्रॉपर, ना वहाँ प्रॉपर शेल्टर मिल पाता है उनको, ना वहाँ उनको फूड मिल रहा है, ना वाटर मिल रहा है, ऊपर से दे आर इवन डाइंग देयर.
तो बहुत ही बेकार कंडीशन में है द पीपल ऑल द माइग्रेंट पीपल दोज हु आर इन द बॉर्डर. अब तो खैर ये ऑलमोस्ट रिजॉल्विंग के उस पर भी आ गया है बिकॉज ऑफ ऑल द सैंक्शंस, बट फिर भी वॉट एवर हैपन विद द माइग्रेंट्स वॉज नॉट एट ऑल करेक्ट एंड दे सफर्ड अलॉट. ठीक है, तो इसके कंक्लूजन में आ जाते हैं हम कि EU बेलारूस माइग्रेंट क्राइसिस जो है वो ह्यूमन राइट वायोलेशन कॉज कर रहा है फर्स्ट. दूसरा, मेन विक्टिम जो है वो माइग्रेंट्स हैं. सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि विक्टिम इसमें जो है माइग्रेंट्स हैं जिनका इनमें डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं, दे डोंट इवन बिलोंग टू द बेलारूस कंट्री. ठीक है, तो माइग्रेंट जो है मतलब नॉट प्रॉपरली ऑल बिलोंग टू बेलारूस. ठीक है, तो माइग्रेंट्स जो हैं जो बॉर्डर पे हैं वो उनके जो भी तरीके से बेलारूस ने उनको यूज़ किया उसके ट्रैप में फंस के जो है दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल. मैनी ऑफ देम इवन डाइड, मैनी ऑफ देम आर लिविंग इन सच अ कंडीशन जो एकदम बहुत ही ज़्यादा यू नो इट इज़ नॉट गुड एट ऑल, जहाँ फूड वाटर भी नहीं मिल रहा, उनको प्रॉपर सैनिटेशन नहीं मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है. अब आगे बढ़ो, हु आर ट्रैप्ड एट द बॉर्डर्स एंड द कंट्रीज ऑन बोथ साइड आर नॉट केयरिंग अबाउट देयर लाइव्स. ठीक है, तो दोनों ही साइड की कंट्री केयर नहीं करी बिकॉज बेलारूस यूज देम एज अ टूल, तो वो क्यों ही केयर करेगा, इनिशियली उसने यूज़ करने के लिए किया. अब EU, वाई वुड EU केयर, क्यों? क्योंकि इट नोज कि बेलारूस ने उन लोगों में ऐसे लोग भी छुपा रखे होंगे जो आके EU के कंट्रीज़ में तबाही मचाना चाहते हैं. तो बोथ द कंट्रीज़ आर नॉट केयरिंग बिकॉज दे हैव देयर ओन पार्ट्स टू से, बट इसमें सफ़र कौन कर रहा है? द माइग्रेंट्स आर सफरिंग इन दिस. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द EU बेलारूस क्राइसिस विच वी हैव सीन टिल नाउ. इसमें और भी प्रोग्रेस होगी, वी विल एड ऑन टू इट इन अनदर वीडियो, कि जितना भी आगे के सैंक्शंस वगैरह हटे हैं, लगे हैं, जो भी केसेस लड़े गए एंड एवरीथिंग. टिल देन स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जय हिंद.